मैनेजमेंट बेसिकली मैनेजमेंट या एमबीए स्टूडेंट्स आखिर पढ़ाई क्या करते हैं, और एक छोटे से किस्से के थ्रू मैं आपको इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। मैनेजमेंट का जो स्टूडेंट होता है, उस मैनेजमेंट के स्टूडेंट को सिर्फ एक चीज़ की नॉलेज होती है जिसके लिए वो पढ़ाई करता है, लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स। ये हम सभी जानते हैं, एमबीए में पढ़ाया जाता है, और हिंदुस्तान एक मैनेजमेंट गुरु रहा है, और आज से नहीं, कई हज़ार साल पहले से ही भारत एक मैनेजमेंट गुरु रहा है। चलिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हज़ारों साल पहले से भारत एक मैनेजमेंट गुरु रहा है। मैं शुरुआत करूंगा मैनेजमेंट के एक स्टूडेंट की कहानी से। मैनेजमेंट का स्टूडेंट हमेशा ही फोकस करता है कि क्या करें पे ना विश्वास करके वो विश्वास करता है कैसे करें पे। चलिए एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक जूते बनाने की कंपनी ने अपने एक मैनेजर को सर्वे करने के लिए एक शहर में भेजा। शहर में जाकर के मैनेजर ने 3 दिन का सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद अपनी कंपनी में फ़ोन लगाया और फ़ोन पर ओनर को बताया, सर मैं पिछले 3 दिनों से इस शहर का सर्वे कर रहा हूँ, और सर्वे करने के दौरान मैंने पाया कि इस शहर में हमारे जूतों की सेल नहीं हो सकती है, क्योंकि इस शहर का एक भी आदमी जूते नहीं पहनता है, और ऐसी जगह पर जहाँ कोई भी आदमी जूते नहीं पहनता है वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट की सेल नामुमकिन है। कंपनी के मालिक ने उस मैनेजर को वापस बुला लिया। कंपनी के मालिक ने 2 महीने बाद फिर से एक नए मैनेजर को उसी शहर में सर्वे के लिए भेजा कि आप जाइए और पता करके आइए कि आखिर हमारे जूतों की सेल वहाँ पर कितनी होगी। वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का स्टूडेंट यानी कि मैनेजर दोबारा वहाँ गया नए उस शहर के अंदर, और 3 दिन बाद सर्वे करने के बाद उसने भी कंपनी मालिक को फ़ोन लगाया। कंपनी मालिक के माथे पर लकीरें आ गईं कि फिर से इसका फ़ोन आ गया, क्या ऐसा ही कुछ है। चलिए उन्होंने बातचीत की। उस मैनेजर ने कहा कि सर आप ने मुझे 3 दिन सर्वे के लिए यहाँ भेजा, मैंने आकर सर्वे किया है, आप एक काम कीजिए फटाफट 2 ट्रक माल यहाँ पर भेज दीजिए। मालिक ने पूछा ऐसा क्यों 2 ट्रक माल। उसने कहा कि यहाँ तो कोई जूते पहनता ही नहीं है, तो यानी कि हमें एक बहुत बड़ा एरिया मिल गया बिजनेस के लिए, और हमारा कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने कि जरा सी छोटी सी सोच आपका नज़रिया आपके बिजनेस के रूप को बदल सकता है, एक छोटे से बिजनेस से उसको बड़ा कर सकता है। शुरुआत में मैंने कहा था आपसे कि भारत एक मैनेजमेंट गुरु है, और ये हज़ारों साल पहले ही साबित हो चुका है, लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। मैनेजमेंट गुरु के तौर में सबसे बड़े एग्जाम्पल है हमारे प्रिय हनुमान जी। हनुमान जी को मैं आइडियल मानता हूँ मैनेजमेंट गुरु के तौर पर, क्योंकि आपने सुना होगा उनके बारे में। वो लंका गए, मिट्टी का तेल रावण का, कपड़ा रावण का, माचिस आग लगाने के लिए वो रावण की, और लंका भी रावण की। यानी कि हनुमान जी ने लो इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न्स को साबित किया लंका में आग लगा करके। तो हमने वहीं से सीखा है कि लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स कैसे लिया जाता है। चलिए तो उम्मीद है कि आपके सोचने का नज़रिया, क्योंकि हमारा इंडिया मैनेजमेंट गुरु रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे DNA में, हमारी सोच में ये बात पहले से ही घुल मिल गई है कि हम एक मैनेजमेंट टॉपर्स हैं, हमें किसी बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, अपना नज़रिया बदलने के लिए। अपना नज़रिया बदलिए और अपना बिजनेस स्टार्टअप कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।